इस कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के देवता पोसाइडन को देखते हैं, जो समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। एक मछुआरा उन्हें देखकर बहुत डर जाता है, पर उसे कुछ नहीं करते और एक नॉर्मल इंसान का रूप लेकर अपने भाई ज्यूस से मिलने जाते हैं। ज्यूस तूफान और बिजली का देवता था। ज्यूस उसे बताते हैं कि किसी ने मेरे लाइटनिंग बोल्ट को चुरा लिया है, जिसकी वजह से अब मेरे पास बिजली की पावर नहीं रही और आसमान में बादल बिना बिजली के गरज रहे थे। ज्यूस को शक था कि किसी देवता ने ही उनके लाइटनिंग बोल्ट को चुराया है। पोसाइडन ज्यूस को बताता है कि मैं तुम्हारा लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुरा सकता, क्योंकि हमें एक दूसरे की शक्तियाँ चुराना मना है। ज्यूस पोसाइडन से कहते हैं कि हम एक दूसरे की शक्तियाँ नहीं चुरा सकते, लेकिन हमारे बेटे ऐसा कर सकते हैं। ज्यूस का शक पोसाइडन के बेटे पर्सी जैक्सन पर था। अपने बेटे का नाम सुनकर पोसाइडन गुस्से में आ जाता है और ज्यूस से कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना। ज्यूस उसे चेतावनी देते हैं कि अगर आज से 14 दिनों के अंदर मेरा लाइटनिंग बोल्ट नहीं मिला तो दुनिया एक बहुत बड़ा युद्ध देखेगी, और फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक स्विमिंग पूल के अंदर पर्सी जैक्सन को देखते हैं, जो पोसाइडन का बेटा और एक डेमी गॉड है। डेमी गॉड उन बच्चों को कहा जाता था जो इंसान और गॉड की संतान होती थी। पर्सी को अपने पावर के बारे में कुछ पता नहीं था, पर डेमी गॉड होने की वजह से वो पूरे 7 मिनट पानी में सांसें रोककर रख सकता था, जिसे देखकर पर्सी का फ्रेंड हैरान था। पर्सी अपने फ्रेंड के साथ क्लास में आ जाता है, जहाँ पर जब पर्सी की क्लास टीचर उसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछती है तो बोर्ड पर लिखे गए क्वेश्चन के वर्ड्स पर्सी को आपस में बदलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो क्लास टीचर को उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। पर्सी जब घर वापस आता है तो वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपनी मॉम को बताता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लास में बोर्ड पर वर्ड्स का एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हुए दिखाई देना किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। पर्सी की मॉम उसे विश्वास दिलाती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर्सी की मॉम पर्सी के साथ उसके स्टेप डैड के घर में रहती थी, लेकिन पर्सी अपने स्टेप डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि पर्सी के स्टेप डैड एक शराबी थे जो अक्सर पर्सी और उसकी मॉम के साथ बुरा बर्ताव करते थे। अगले दिन पर्सी जब अपने फ्रेंड फ्यूरी के साथ म्यूजियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पर प्रोफेसर ब्रूनो पर्सी फ्यूरी और बाकी बच्चों को ओलंपिक गॉड्स के बारे में बताते हैं कि मुख्य 3 गॉड है, पोसाइडन, ज्यूस और थेडियस। वो तीनों समुद्र, तूफान और नर्क के देवता होने के साथ साथ आपस में भाई भी हैं, और उन तीनों ने अपनी शक्तियां अपने पिता को मारकर हासिल की है। प्रोफेसर ब्रूनो जब पर्सी से पूछते हैं कि इंसानों और देवताओं के मिलन से पैदा होने वाले बच्चों क्या कहते हैं, तो पर्सी उन्हें बताता है कि देवताओं और इंसानों के मिलन से पैदा होने वाले बच्चों को डेमीगॉड कहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ब्रूनो पर्सी से किसी एक डेमीगॉड का नाम पूछते हैं, और जब पर्सी अपने सामने प्राचीन भाषा में लिखे गए एक डेमीगॉड के नाम को देखता है तो प्राचीन भाषा देखते ही देखते इंग्लिश लैंग्वेज में बदल जाती है, और पर्सी उसे पढ़कर बड़ी आसानी से प्रोफेसर ब्रूनो को डेमी गॉड पर्सियस का नाम बता देता है। दरअसल पर्सी को जो शब्द बदले हुए दिखाई देते थे वो कोई बीमारी नहीं बल्कि पर्सी की मैजिकल पावर थी। अब अचानक से पर्सी के पास उसकी क्लास टीचर आती है, जो पर्सी को बुलाकर लाइब्रेरी के अंदर ले जाती है। क्लास टीचर देखते ही देखते एक उड़ने वाले भयानक डीमन में बदल जाती है। पर्सी से डर जाता है। वो डीमन उस पर हमला करते हुए ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पूछने लगता है। पर्सी को समझ नहीं आता, वो उसे पकड़ लेती है और उसे लाइटनिंग बोल्ट के बारे में पूछने लगती है, इससे पहले कि वो डीमन पर्सी को नुकसान पहुंचाती। वहाँ पर फ्यूरी प्रोफेसर ब्रूनो के साथ आ जाता है। डीमन को देखकर प्रोफेसर ब्रूनो से कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। प्रोफेसर ब्रूनो की वजह से वो डीमन वहाँ से भाग जाती है। पर्सी ये देखकर हैरान था कि आखिर प्रोफेसर ब्रूनो और फ्यूरी उस डीमन को पहले से कैसे जानते हैं, और आखिर प्रोफेसर ब्रूनो ने उस डीमन को मारने की धमकी क्यों दी। पर्सी के मन में इस समय बहुत सारे सवाल थे, लेकिन प्रोफेसर ब्रूनो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और पर्सी को एक पेन देकर उसे फ्यूरी के साथ वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर्सी की जान को खतरा था। अब पर्सी फ्यूरी के साथ उस पेन को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में फ्यूरी पर्सी को विश्वास दिलाता है कि वो पर्सी की सुरक्षा करेगा, लेकिन पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्यूरी उसकी रक्षा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो खुद पैरों से डिसेबल था। घर पहुंचने पर जब पर्सी के स्टेप डैड उसके साथ मिसबिहेव करते हैं तो फ्यूरी उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है, और फिर वो पर्सी और उसकी मॉम के साथ कार में बैठकर कैंप की तरफ निकल जाता है। हाफ ब्लड नाम का कैंप पर्सी जैसे डेमी गॉड का घर था, जहाँ पर वो इंसानों से दूर सुरक्षित रहते थे और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते थे। रास्ते में पर्सी की मॉम उसे सारी बातें बता देती है कि वो उसके डैड से तब मिली थी जब वो समुद्र के किनारे
पर काम करती थी, लेकिन पर्सी के पैदा होने के बाद किसी वजह से उसके डेड को उसे छोड़कर जाना पड़ा। अब अचानक से उनकी कार के सामने एक गाय आकर गिरती है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है। फ्यूरी अपने मजबूत पैरों से कार का शीशा तोड़कर खुद को और पर्सी के साथ उसकी मोम को कार से बाहर निकालता है। पर्सी यह देखकर पूरी तरह से हैरान था कि उसका फ्रेंड फ्यूरी पैरों से डिसेबल नहीं है, बल्कि उसके कमर के नीचे का हिस्सा और उसके पैर एक गोट के थे। यानी कि फ्यूरी भी पर्सी की तरह एक डेमी गोट है और उसे पर्सी के बारे में पहले से ही पता था। अब एक जाइंट बफेलो मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, इसीलिए फ्यूरी पर्सी और उसकी मोम के साथ तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि जंगल के अंदर ही हाफ ब्लड कैंप था और अगर वो तीनों हाफ ब्लड कैंप के अंदर पहुंच जाते तो बफेलो मॉन्स्टर उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो तीनों किसी तरह हाफ ब्लड कैंप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पर्सी की मोम कैंप के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक डेमी गॉड नहीं थी और अब वहां पर बफेलो मॉन्स्टर भी आ गया था। पर्सी की मोम उसे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन पर्सी अपनी मोम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो जाइंट मॉन्स्टर पर्सी की मोम को मार देता है। पर्सी ये देखकर बहुत दुखी होता है और प्रोफेसर ब्रूनो के द्वारा दिए गए पेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो पेन देखते ही देखते एक तलवार में बदल जाती है और पर्सी उस तलवार को लेकर जाइंट मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। पर्सी उस जाइंट मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पा रहा था। वो जाइंट मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी पर्सी किसी तरह बहुत मुश्किल से उस जाइंट मॉन्स्टर को मार गिराता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। अब पर्सी जब होश में आता है तो खुद को कैंप के हॉस्पिटल में पाता है, जहां वो पिछले कई दिनों से बेहोश था। होश में आने के बाद पर्सी को लगता है कि अब तक उसने जो कुछ भी देखा वो सब एक सपना था, लेकिन फ्यूरी के पैरों को देखकर पर्सी समझ जाता है कि वो सब सच था और वो इस समय हाफ ब्लड कैंप के अंदर है। फ्यूरी पर्सी को हाफ ब्लड कैंप के बारे में सब कुछ बताता है, जहां पर बहुत सारे डेमी गॉड्स अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। कैंप में पर्सी युद्ध और ज्ञान की देवी एथिना की बेटी एनाबेथ को भी देखता है, जो एक बहादुर योद्धा थी। इसके बाद पर्सी फ्यूरी के साथ समुद्र के किनारे पर आ जाता है, जहां पर वो प्रोफेसर ब्रूनो को देखता है, जिनका आधा शरीर एक घोड़े का था और वो एक डेमी गॉड होने के साथ ही कैंप में रहने वाले सारे डेमी गॉड्स के मास्टर भी थे। और यही वजह थी कि वो पर्सी और उस लाइब्रेरी वाली डीमन के बारे में पहले से ही जानते थे। ब्रूनो पर्सी को अपने साथ समुद्र के किनारे पर बने एक घर में ले आते हैं और उसे बताते हैं कि यह तुम्हारा घर है, जिसे तुम्हारे पिता पोसाइडन ने तुम्हारे लिए बनाया था। ब्रूनो पर्सी को ये भी बताते हैं कि उसे उसके पिता के दोनों भाई ज्यूस और हेडिस से खतरा है, इसीलिए उसकी मोम इतने दिनों से उसके शराबी स्टेप डेड के साथ रहती थी, ताकि उसकी पावर के बारे में किसी को पता न चल सके और वो सुरक्षित रहे। पर्सी अपने पिता पोसाइडन के बारे में जानने के बाद उनसे नफरत करता था, क्योंकि वो बचपन में पर्सी और उसकी मोम को अकेला छोड़कर चले गए थे। ब्रूनो पर्सी को बताते हैं कि ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो गया है और उन्हें लगता है कि उनका लाइटनिंग बोल्ट तुमने ही चुराया है, और अगर अगले 14 दिनों के अंदर ज्यूस को उसका लाइटनिंग बोल्ट नहीं मिला तो एक युद्ध होगा जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। पर्सी ब्रूनो से पूछता है कि हमें अब करना क्या चाहिए। ब्रूनो बताते हैं कि मेरे प्लान के मुताबिक हमें ओलंपस में जाकर ज्यूस को विश्वास दिलाना चाहिए कि तुमने उनका लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, क्योंकि अभी कैंप के बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर्सी इसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन ब्रूनो सभी के सामने पर्सी को बुलाकर उन्हें पर्सी के बारे में बताते हैं और इसके बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी लोग दो लाल और नीले गुटों में बंटकर एक दूसरे पर हमला करेंगे और जो टीम दूसरे टीम के फ्लैग को सबसे पहले हासिल कर लेगी वो टीम जीत जाएगी। नीले टीम का लीडर पर्सी के पास आता है और खुशी खुशी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद दोनों टीम एक दूसरे पर हमला करते हुए एक दूसरे के फ्लैग को हासिल करने की कोशिश करने लगती है। पर्सी अपनी टीम के लीडर के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था और विरोधी टीम के योद्धाओं से लड़ रहा था। पर्सी को टीम का लीडर आगे बढ़ने को कहता है और खुद विरोधी टीम मेंबर से फाइट करके उन्हें रोकने लग जाता है। पर्सी किसी तरह आगे बढ़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर जब वो नदी से पानी पी रहा होता है तो नदी के उस पार उसे विरोधी टीम का फ्लैग दिखाई देता है। फ्लैग देखकर पर्सी बहुत खुश होता है और जल्दी से नदी को पार करके फ्लैग के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो फ्लैग को हासिल करता, उसके सामने एनाबेथ आ जाती है, जो अपनी टीम के फ्लैग की सुरक्षा के लिए वहां छिपी हुई थी। अब पर्सी और एनाबेथ के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। अब तक फ्यूरी, ब्रूनो और बाकी के टीम मेंबर्स भी वहां पर आ गए थे, जो पर्सी और एनाबेथ को एक दूसरे
गुस्से से फाइट करते हुए देख रहे थे। एनाबेथ पर्सी को बहुत ही बुरी तरह से मारती है जिससे घायल होकर पर्सी नीचे गिर जाता है। अब पर्सी को अपने पिता पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है जो पर्सी को नदी के किनारे पानी के पास जाने के लिए बोल रहे थे। पर्सी किसी तरह घिसड़ते हुए नदी के किनारे आ जाता है और अपना एक हाथ पानी में डाल देता है। पर्सी के ऐसा करते ही नदी का पानी पर्सी के जख्मों को भर देता है जिससे पर्सी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। पर्सी इसके बाद एक एक करके अपने विरोधी टीम के सारे मेंबर्स के साथ ही एनाबेथ को भी हरा देता है और वो अकेले ही विरोधी टीम के फ्लैग को हासिल कर लेता है जिससे उसकी टीम जीत जाती है। और पर्सी की इस बहादुरी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। जीत की खुशी में रात को कैंप में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी खूब एंजॉय करते हैं। अब एनाबेथ पर्सी के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पर्सी एनाबेथ से बोलता है कि आज तो मुझे लग रहा था कि तुम मुझे जान से मार दोगी। इस पर एनाबेथ पर्सी को बताती है कि वो कैंप में प्रतियोगिता के दौरान इसी तरह एक दूसरे से फाइट करती है और एनाबेथ पर्सी को ये भी बताती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को इसीलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे के दुश्मन है। दरअसल एनाबेथ की माँ एथिना और पर्सी के डैड पोसाइडन दोनों ओलंपस के सेना प्रमुख बनना चाहते थे जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक खतरनाक युद्ध शुरू हो गया था। अब पर्सी और एनाबेथ एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से पास में जल रही आग के अंदर से नर्क के देवता थेडियस बाहर निकलता है जो चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है और पर्सी से कहता है कि तुम ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट के बदले में अपनी मोम को वापस ले जाओ। थेडियस की बातें सुनकर पर्सी उसके सामने जाता है और उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ तो मर चुकी है। इस पर थेडियस पर्सी को उसकी मोम को दिखाते हुए बताता है कि तुम्हारी मोम अभी भी जिंदा है जो अभी मेरे पास नर्क में कैद है और अगर तुम अपनी मोम को बचाना चाहते हो तो ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट के साथ नर्क में आकर मुझसे मिलो। ये कहकर थेडियस वहाँ से गायब हो जाता है। अब पर्सी अपनी मोम को बचाने के लिए किसी भी तरह हेल में थेडियस से मिलने जाना चाहता था ताकि वो थेडियस को सारी सच्चाई बता सके कि उसने ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया और वो उसकी मोम को छोड़ दे। मिस्टर ब्रूनो पर्सी को समझाते हैं कि थेडियस को जब पता चलेगा कि उसने ज्यूस की लाइटनिंग बोल्ट को नहीं चुराया है तो पर्सी की मोम को आजाद नहीं करेगा बल्कि उन दोनों को वहीं पर मार देगा। इसलिए हमें सबसे पहले ओलंपस में जाकर ज्यूस को सारी सच्चाई बतानी चाहिए और फिर इसके बाद हम तुम्हारी मोम को भी आजाद करवा लेंगे। पर्सी ब्रूनो की बात मान जाता है लेकिन रात होने पर जब सभी सो जाते हैं तो पर्सी अपना सामान पैक करके अकेले नर्क में जाकर अपनी मोम को बचाने के लिए निकल जाता है। फ्यूरी और एनाबेथ को पहले से ही इस बारे में पता था इसीलिए वो दोनों भी अपना सामान पैक करके पर्सी के साथ जाने का फैसला करते हैं। पर्सी उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए मना करता है लेकिन उन दोनों के जिद करने की वजह से वो मान जाता है। पर अभी भी उनके सामने एक प्रॉब्लम थी, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो तीनों हेल में कैसे जाएंगे। उन तीनों में से किसी को भी हेल तक जाने का रास्ता नहीं पता था इसीलिए वो तीनों पर्सी के टीम के लीडर लुक के पास जाते हैं क्योंकि लुक के पिता देवताओं के दूत थे जिसकी वजह से वो अक्सर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आते जाते रहते थे। लुक पर्सी को अपने पिता के उड़ने वाले जूते देता है और उन्हें बताता है कि नर्क के देवता हेडिस की वाइफ परसेफनी अक्सर दूसरी दुनियाओं से लोगों को मिलने के लिए बुलाती रहती है क्योंकि हेडिस परसेफनी को जबरदस्ती कैद करके रखता है और परसेफनी हेडिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए वो सभी आसानी से उस रास्ते से होते हुए नर्क में जा सकते हैं लेकिन नर्क से वापस आने के लिए उन्हें 3 मोतियों की जरूरत पड़ेगी वरना वो कभी भी नर्क से बाहर नहीं आ पाएंगे। नर्क से बाहर आने के लिए उन लोगों को सिर्फ मोतियों को अपने पैर के नीचे रखकर उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ वो जाना चाहते हैं और फिर इसके बाद वो वहाँ पहुँच जाएंगे। लुक इसके बाद पर्सी को जादुई मैप दिखाता है जिसमें धरती पर मौजूद मोतियों का लोकेशन था और लुक पर्सी को बताता है कि हमारी दुनिया में सिर्फ 3 मोती ही मौजूद है जिसमें से पहला मोती एंटी एम्स गार्डन के पुतला घर में मौजूद था। लुक पर्सी को अपना ढाल देता है ताकि पर्सी मुसीबत में पड़ने पर ढाल से खुद की रक्षा कर सके। अब पर्सी पहले मोती के तलाश में अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एंटी एम्स गार्डन के पुतला घर में पहुँच जाते हैं और एक दूसरे से अलग होकर चारों तरफ मोती ढूंढने लगते हैं। मोती ढूंढने के दौरान एनाबेथ के पास एक लेडी भागते हुए आती है जो काफी घबराई हुई थी और एनाबेथ को बताती है कि वो आ रही है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। एनाबेथ उस लेडी को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। इसके बाद हम फ्यूरी को देखते हैं जिसे मोती ढूंढने के दौरान अपने अंकल का स्टेचू मिलता है जिसे देखकर वो हैरान था।
फ्यूरी नोटिस करता है कि जो निशान उसके अंकल के सिर पर था ठीक वैसा ही निशान उस स्टैचू के सिर पर भी था। और फ्यूरी को अच्छे से याद था कि उसके अंकल को मेडुसा ने पत्थर की मूर्ति बनाकर मारा है और वो समझ जाता है कि वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि उसके अंकल ही है। और अब वो लोग मेडुसा के जाल में फंस चुके थे जिसके आंखों में देखने वाला व्यक्ति पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता था। फ्यूरी अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने के लिए भागता है। वहीं दूसरी तरफ मेडुसा एनाबेत और उस लेडी के सामने आ जाती है। वो लेडी मेडुसा की आंखों में देख लेती है जिससे वो पत्थर के स्टैचू में बदल जाती है। लेकिन एनाबेत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेडुसा उसे अपनी आंखें खोलने के लिए डराने लगती है। पर्सी भी वहां गया था जो अपने स्मार्टफोन में मेडुसा को देखकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। मेडुसा जब पर्सी को ढूंढने लगती है तो इस मौके का फायदा उठाकर फ्यूरी एनाबेत को आजाद करा लेता है। मेडुसा जल्दी पर्सी को ढूंढ लेती है पर वो उसे स्टैचू में बदलती। उससे पहले ही एनाबेत कार से आकर मेडुसा को एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे पर्सी बच जाता है। अब मेडुसा जब पर्सी के नीचे गिरे स्मार्टफोन को अपने हाथों में उठाकर देख रही होती है तो इस मौके का फायदा उठाकर पर्सी मेडुसा पर पीछे से हमला करके उसका गला काट देता है। मेडुसा के हाथों के ब्रेसलेट से इन्हें पहला मोती मिल जाता है। पर्सी कहता है कि अब हमें दूसरा मोती ढूंढना है जो हमें नशविल के प्राचीन म्यूजियम में मिलेगा पर हमें वहाँ खतरा हो सकता है इसीलिए हमें मेडुसा के सर को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि इसकी मदद से हम किसी को भी पत्थर में तब्दील कर सके। अब वो एनाबेत के साथ अपनी कार में बैठकर वहाँ से म्यूजियम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रात होने पर वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर जब पर्सी स्विमिंग पूल के अंदर होता है तो उसे अपनी मुंह की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्विमिंग पूल से बाहर आने पर पर्सी देखता है कि एनाबेत के हाथों में जख्म था जिसे वो अपनी शक्तियों की मदद से ठीक कर देता है। अब फ्यूरी जब मेडुसा के कटे हुए सिर के साथ कमरे में होता है तो होटल की मालकिन मेडुसा के कटे हुए सिर को देख लेती है और काफी ज्यादा डर जाती है जिसकी वजह से उन लोगों को रात में ही वहाँ से अपने आगे के सफर पर निकलना पड़ता है। सुबह होते होते वो लोग म्यूजियम पहुँच जाते हैं। म्यूजियम के अंदर उन्हें दूसरा मोती मिल जाता है जो एनाबेत की मॉम एथेना के सिर पर लगी हुई थी। अब क्योंकि सुबह के टाइम म्यूजियम में बहुत सारे लोग मौजूद थे इसीलिए वो रात में आकर दूसरा मोती चुराने का फैसला करते हैं। रात होने पर जब पर्सी अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम में आता है तो देखता है कि म्यूजियम के गार्ड म्यूजियम की सफाई कर रहे थे। अब एनाबेत एक एक करके सारे गार्ड्स को बेहोश कर देती है जिसके बाद पर्सी लुक के दिए गए उड़ने वाले जूतों की मदद से दूसरा मोती भी हासिल कर लेता है जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। अब अचानक से उनके सामने म्यूजियम के गार्ड आ जाते हैं जो देखते ही देखते तीन सिरों वाले ड्रैगन में बदल जाते हैं और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर्सी और उसके साथी किसी तरह ड्रैगन के हमले से बचते हैं और इस दौरान पर्सी अपने वाटर पावर की मदद से ड्रैगन को रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो ड्रैगन को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। अब इससे पहले कि ड्रैगन उन्हें मारता फ्यूरी मेडुसा के कटे हुए सिर की मदद से ड्रैगन को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है जिससे उनकी जान बच जाती है। अब पर्सी जब अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है तो न्यूज में देखते हैं कि दुनिया में चारों तरफ एक भयंकर तूफान मंडरा रहा है और आसमान में काले बादल छाना शुरू हो गए थे। पर्सी और उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि ज्यूस और पोसाइटन अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का मौसम तेजी से बदल रहा है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था और जब वो मैप में तीसरे मोती का लोकेशन देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तीसरा मोती वेगस सिटी में है जिसके बाद वो तीनों वेगस सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वेगस सिटी में पर्सी अपने साथियों के साथ एक लोटस क्लब में जाता है जिसके अंदर वो तीसरी मोती थी। क्लब के अंदर जाने पर उन्हें वेटर क्लब का लोटस फूड खाने के लिए देती है जिसे खाने के बाद वो तीनों अपने मकसद को भूल जाते हैं और क्लब में खूब मस्ती करते हैं। पर्सी के डेड पोसाइटन उसे बताते हैं कि होश में आए क्योंकि वो पिछले कई दिनों से क्लब में फंसे हुए थे। पर्सी को जब पता चलता है कि वो क्लब एक ट्रैप है जिसमें लोग सालों से फंसे हुए हैं तो वो किसी तरह अपने साथियों को भी होश में लाता है और कसिनो से तीसरा मोती हासिल करके अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगता है। क्लब के गार्ड पर्सी और उसके दोस्तों को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों क्लब की सुपर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और क्लब से बाहर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो पिछले 5 दिनों से क्लब के अंदर थे। इसके बाद वो मैप से हेल में जाने के दरवाजे का लोकेशन देखते हैं जो हॉलीवुड में था जिसके बाद वो तीनों हॉलीवुड की तरफ निकल पड़ते हैं। हॉलीवुड पहुंचकर वो देखते हैं कि एक दीवार गिरकर अंदर जाने का दरवाजा बन गया है जिसके बाद वो तीनों भी अंदर चले जाते हैं और दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। और अंदर जाने पर उन्हें एक नाविक मिलता है जो यात्रियों को हेल तक ले जाता था। पर्सी जब उस नाविक को कुछ सोने के सिक्के देता है तो उन तीनों को अपने साथ
बाद हेल में ले जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि हेल में सिर्फ वही लोग आ सकते थे जो वास्तविक दुनिया में मर गए हो। वो नाविक पर्सी और उसके दोस्तों को हेल में हेडिस के महल के दरवाजे तक पहुंचा देता है। महल के अंदर एंटर करने पर उन तीनों के ऊपर हेल हाउस हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर हेडिस की वाइफ आ जाती है जो हेल हाउस को रोक लेती है और उन तीनों को हेडिस के पास ले जाती है। हेडिस पर्सी को हेल में देखकर बहुत खुश होता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। पर्सी जब हेडिस को बताता है कि उसने ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया है तो हेडिस को पर्सी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो पर्सी की मोम को उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है ताकि पर्सी ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट के बदले अपनी मोम को साथ ले जाए। पर्सी अपनी मोम से मिलकर बहुत खुश होता है और अब कहीं ना कहीं हेडिस को भी पर्सी की बातों पर विश्वास होने लगता है कि पर्सी ने ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया होगा और वो सच बोल रहा है। लेकिन अगले पल हेडिस को पर्सी के डाल के अंदर छुपी हुई ज्यूस की लाइटनिंग बोल्ट मिल जाती है, जिससे हेडिस को विश्वास हो जाता है कि पर्सी उसे झूठ बोल रहा है और वो गुस्से में पर्सी की मोम के साथ ही पर्सी और उसके साथियों को हेल की आत्माओं के हवाले करने का फैसला करता है। पर्सी हेडिस को बताता है कि वो डाल उसका नहीं है बल्कि लुक का है और शायद लुक ने ही अपनी डाल में ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट छुपा कर रखा होगा। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। अब इससे पहले कि पर्सी और उसके साथियों को हेल की आत्माएं निकलती, हेडिस की वाइफ आसानी से हेडिस से लाइटनिंग बोल्ट हासिल कर लेती है और हेडिस के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट से हमला करके उसे बेहोश कर देती है और पर्सी के साथ ही उसकी मोम और उसके साथियों को हेल की आत्माओं से बचा लेती है। हेडिस के बेहोश होने के बाद हेडिस की पत्नी परसेवनी पर्सी को बताती है कि होश में आने के बाद हेडिस को कुछ भी याद नहीं रहेगा और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हेडिस उसे हेल में कैद करके रखता है और टॉर्चर करता है। अब पर्सी किसी भी तरह ज्यूस के पास ओलंपस में जाकर उनका लाइटनिंग बोल्ट देना चाहता था ताकि देवताओं के बीच युद्ध ना हो, इसीलिए अपनी मोम और एनाबेथ के साथ मोतियों की मदद से टेलीपोर्ट होकर हेल से बाहर आ जाता है और फ्यूरी हेल में परसेवनी के साथ ही रुकता है, क्योंकि हेल से बाहर निकलने के लिए उनके पास सिर्फ 3 ही मोती थे जिसकी मदद से पर्सी अपनी मोम और एनाबेथ के साथ हेल से बाहर आ गया था। पर्सी अपनी मोम और एनाबेथ के साथ उस टावर पर आ जाता है जिसकी मदद से देवताओं के पास ओलंपस में जाया जा सकता था, पर तभी वहां पर लुक आ जाता है जो पर्सी को बताता है कि उसने ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट चुराया था और उसे अपनी डाल में छुपाकर पर्सी को दे दिया ताकि बोल्ट हेडिस तक पहुंच जाए। लुक ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सारे देवता आपस में लड़े और दुनिया को उनका नया भगवान मिल सके और लुक खुद भी एक भगवान बन सके। अब लुक और पर्सी के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है जिसके दौरान लुक किसी तरह पर्सी से ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट हासिल करने में कामयाब हो जाता है और पर्सी के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट से हमला करने लगता है। एक खतरनाक फाइट के बाद पर्सी किसी तरह बिल्डिंग के छतों पर मौजूद पानी से लुक को हरा देता है और उसे लाइटनिंग बोल्ट हासिल कर लेता है। लाइटनिंग बोल्ट हासिल करने के बाद पर्सी एनाबेथ और अपनी मोम के साथ टावर के मैजिकल लिफ्ट की मदद से जल्दी ओलंपस आ जाता है। पर्सी की मोम पर्सी और एनाबेथ की तरह एक डेमी गॉड नहीं थी, इसलिए वो ओलंपस के दरवाजे पर ही रुक जाती है। अब पर्सी एनाबेथ के साथ ओलंपस में देवताओं के पास आ जाता है जहाँ पर घड़ी में 12 बजते ही ज्यूस युद्ध का ऐलान करने वाले थे। पर्सी सही समय पर वहाँ आकर ज्यूस को युद्ध करने से रोक लेता है और ज्यूस को उनका लाइटनिंग बोल्ट वापस कर देता है। पर्सी ज्यूस और सारे देवताओं को बताता है कि लाइटनिंग बोल्ट उसने नहीं बल्कि लुक ने चुराया था। एनाबेथ भी अपनी मोम एथेना से मिलकर बहुत खुश थी। पर्सी के डेड पोसाइडन उससे बहुत खुश थे, लेकिन पर्सी अपने डेड से गुस्सा था इसीलिए उनसे बात नहीं करता। लाइटनिंग बोल्ट वापस मिलने की वजह से ज्यूस युद्ध को रोक देते हैं और पर्सी के रिक्वेस्ट करने पर हेल से उसके फ्रेंड फ्यूरी को भी आजाद कराने के लिए राजी हो जाते हैं। वह पर्सी और उसकी बहादुरी से बहुत खुश थे। अब सारे देवता जब वहाँ से चले जाते हैं और पर्सी भी वापस जाने लगता है तो पर्सी के डेड पोसाइडन पर्सी से बात करते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। पर्सी अपने डेड से नाराज था, वो उनसे पूछता है क्या मुझे और मोम को बचपन में ही छोड़कर चले क्यों गए थे और कभी वापस मिलने क्यों नहीं आए। पोसाइडन पर्सी को समझाते हैं कि वह ज्यूस के बनाए गए नियम की वजह से उससे और उसकी मोम से मिलने नहीं आ सके, क्योंकि नियम के अनुसार कोई भी गॉड अपनी इंसानी वाइफ और अपने डेमी गॉड बेटे से नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके साथ रहने की वजह से देवता भी धीरे धीरे इंसानों की तरह बनने लगे थे। पोसाइडन पर्सी को समझाते हैं कि वो भले ही उससे मिलने ना आए हो लेकिन वो हर समय उसके साथ ही थे। पर्सी भी अपने पिता की बात समझ जाता है और खुशी खुशी उनसे हाथ मिलाकर वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। वापस से अर्थ पर आने के बाद
पर्सी अपनी मॉम से विदा लेकर हाफ ब्लड कैंप में फ्यूरी और एनाबेथ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, क्योंकि वादे के मुताबिक ज्यूस फ्यूरी को हेल से बाहर ले आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।